उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सेना ब्रिगेड में भारत कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का रिन 2019 का आगाज हो चुका है। तो 14 दिन चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के 60-60 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा ले रही है। इस दौरान सैन्य अभ्यास का एक वीडियो भी सामने आया जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस वीडियो में दोनों देशों के सैनिक ज्वाइंट वॉर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों देशों के सैनिकों को टावर से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने, खतरनाक जगहों को रस्सी के सहारे सुरक्षित पार करने और पहाड़ी से कूदने समेत तमाम तरह के युद्ध बाधा कोर्स कराए जा रहे हैं। तो वहीं दोनों देशों के जवान इस युद्धाभ्यास को लेकर काफी उत्साहित दिखे। काजिन 2019 में शामिल दोनों देशों के जवानों को जंगलों और पहाड़ी इलाकों में काउंटर इमरजेंसी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो साथ ही इस दौरान दोनों देशों के जवान सैन्य ऑपरेशन और आतंकवाद विरोधी जवाबी कार्रवाई के अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। तो सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकवाद विरोधी अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास भी होगा। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में कजाकिस्तान की तरफ से 14 अधिकारी, 46 जवान और भारत की तरफ से 13 अधिकारी और 47 जवान भाग ले रहे हैं। बता दें, भारत और कजाकिस्तान के बीच ये चौथा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। इससे पूर्व 3 युद्धाभ्यास हो चुके हैं। तो सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ये संयुक्त युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। तो दोनों देशों के 60-60 सैनिकों को इस टुकड़ी में शामिल किया गया है। ये वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से इस पूरे अभियान को लेकर प्रैक्टिस करवाई जा रही, खतरनाक स्थिति में किस तरह से निपटना है, ये यहां पर ट्रेनिंग इन दोनों देशों के सैनिकों को दी जा रही है।